Hey, I'll be telling you how you can light your videos the right way. तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि इसमें हम सिर्फ एक सिंगल लाइट सोर्स यूज करेंगे, एक बेसिक कैमरा जिसके ऊपर 18 to 55 किट लेंस है, और हम और कोई लाइट यूज नहीं करेंगे, बैक लाइट है, लाइट फिल लाइट, कोई लाइट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ यही चीज अवेलेबल होती है। तो पहले बात करते हैं की लाइट के बारे में। जो की लाइट होती है वो होती है मेन लाइट। इस की लाइट का एक सीन पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एक साइड इसका अच्छे से लिट होता है और दूसरी तरफ शेडोज होती है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दी सीन्स फ्रॉम द प्रिजनर्स। एक तरफ अच्छे से लिट है और दूसरी तरफ शेडोज है। इसकी वजह से जो सीन है वो विजुअली ड्रामेटिक लगता है। बैक टू द वीडियो, जो ये शेडोज हैं, इन शेडोज को फिल करने के लिए यूज होती है फिल लाइट। और एक पीछे से लाइट आती है जिसको हम बैक लाइट बोलते हैं या फिर हेयर लाइट बोलते हैं, वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि बैकग्राउंड से हम अपने आप को सेपरेट कर सकें। तो इस सीन को हम इस सीन में कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम बैक लाइट यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो डिफरेंस है बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड में वो हमें खुद क्रिएट करना होगा। तो हम बैकग्राउंड से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ये करने के बाद थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड आई है। तो अब देखो कि जो की लाइट है ये बहुत ही ज्यादा हार्श है। शेडोज देखो, इसकी शेडोज बहुत ही शार्प बन रही है। तो मतलब इसको हम अभी सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के लिए बटर पेपर यूज कर सकते हो, या मतलब कोई भी टी शर्ट यूज कर लो यार, अपनी मतलब चादर यूज करो। मैं चादर यूज कर रहा हूँ अभी। तो चादर यूज करने के बाद ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अभी भी देखोगे तो ये थोड़ी ज्यादा ही ड्रामेटिक नहीं हो रही, ये मतलब ज्यादा ही शेडोज आ रही है। तो हम इसको एक मतलब थोड़ा इस लाइट को थोड़ी ऊपर से गिनने देंगे। ये ऐसा लग रहा है कि नीचे से आ रही है, मतलब ये नीचे है नहीं, वैसे तो सामने से आ रही है, बट हम इसको एक एंगल पे गिनने देंगे। तो अभी की लाइट का एंगल सेट किया है। वैसे की लाइट या तो तुम्हारे मतलब या तो 10 o'clock होती है या 2 o'clock होती है, तो मतलब ऐसे ही मोस्टली ऐसे ही प्लेस्ड होती है जो की लाइट होती है। तो अब अपने आप को थोड़ा बैकग्राउंड से और सेपरेट करने के लिए हम थोड़ी टी शर्ट चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक। तो अभी फिल लाइट की बात करते हैं। फिल लाइट भी हम यूज नहीं कर रहे, तो मेरा पीसी यहीं पे रखा हुआ है, तो हम इसकी मॉनिटर की लाइट यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम जो ये की लाइट है इसी को रिफ्लेक्ट करके मतलब इस तरफ डाल सकते हैं, या तो कोई व्हाइट चादर या फिर कोई मतलब व्हाइट पेपर थर्माकोल टाइप्स को एक रिफ्लेक्टर की तरह यूज करो। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये पेपर मिला है, हाँ, तो इसको यूज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, तो ये शेडोज देखो, अभी शेडोज आ रही है यहाँ पे। और ये देखो पेपर के पास लाती, तो अब बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स की। और कैमरा सेटिंग्स से मेरा मतलब है वाइट बैलेंस, क्योंकि बाकी सब तो वेरिएबल है, वो तुम्हारी लाइट पे डिपेंड करता है कि तुमने कैसी लाइट बनाई है या कैसी लाइट है तुम्हारे पास। तो एक बार वाइट बैलेंस कर लेते हैं, सही, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रेड कर देते हैं इसे। तो अभी हम एक और चीज़ कर सकते हैं इस बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है पीछे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मतलब इसमें थोड़ी और लाइट्स प्लेस कर सकते हैं, नियॉन साइंस, मतलब जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है यार, मतलब जो भी तुम्हारे पास है वो लगा दो, इट्स योर विश, इट्स योर प्रेफरेंस, बट इन माई ओपिनियन दिस वर्क्स। ये काफ़ी है, मतलब सिंगल की लाइट, मतलब ये काफ़ी है यार, मतलब अगर तुम्हें कोई स्टोरी बतानी है या तुम्हें कुछ अपना ओपिनियन ही बताना, तो ये काफ़ी है, और स्टोरी मैटर करती है ज़्यादा, जैसे सभी बोलते हैं। सो दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। Thanks for watching.